हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुट्योर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं वेजिटेबल बेसन पुडला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल बेसन पुडला बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप बेसन। तो एकदम फाइन वाला जो बेसन आता है वो लेना है, तो मैंने 1.5 कप लिया हुआ है। इसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 कप सूजी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ। शिमला मिर्च, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ का बारीक कट करके शिमला मिर्च ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरे प्याज लिए हैं और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्ची ली है, तो इसमें 2 मैंने तीखी वाली ली है। बारीक कटा हुआ टमाटर, तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया मैं बहुत सारा ले रही हूँ। इसके अलावा आप चाहे तो इसमें बारीक कट करके थोड़ा सा पालक भी डाल सकते हैं। अगर हरा लहसुन की सीज़न है तो वो भी आप काफ़ी सारी मात्रा में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लहसुन नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्रेट करके लहसुन भी डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/2 टीस्पून में हींग ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है। ये जो पुडला है आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल का प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बैटर हमारा रेडी है, इसे ढककर हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा हमें गाढ़ा बैटर तैयार करना है। एक साइड मैंने तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है। तवा के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तो ऐसे छोटे साइज के पूड़े हमें रेडी करना है। ऊपर से भी हम थोड़ा सा तेल रख देते हैं। ऊपर से भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। पलट लेते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों साइड अच्छे से पकाना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड अच्छे से पक चुका है। ऐसे ही सारे पूड़े हम रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तो दोनों साइड इस तरह से पकाना है। तो इस तरह से दोनों साइड हम अच्छे से पका लेंगे। वेजिटेबल बेसन पुडला हमारा रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। पुडला के साथ मैंने सर्व किया है हरी चटनी, टोमेटो केचप और कॉकटेल डिप। तो आप इसमें से कोई भी डिप के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सुपर डिलीशियस एंड हेल्दी बेसन पुडला की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।